भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जहां बहनों का सम्मान होता है। बर्सर विधानसभा के बिजड़ में आयोजित महिला सम्मेलन में उपस्थित हजारों महिलाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये बात कही। कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की राजनीति में एक नेता युवराज कहलाए जाते हैं, वो अमेठी से ऐसे निकले कि वह अब भी भारत घूम रहे हैं। कांग्रेस में बेटी को बुलाकर आजकल बेटे के प्रति ज्यादा प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ बेटे का ध्यान रखा जा रहा है, बेटियां इनकी यात्रा से भी लुप्त हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक महिला कार्यकर्ता के नाते हमें इस बात का गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी वह परिवार है जहां पर भाई और बहन कदम से कदम मिलाकर प्रदेश और राष्ट्र को विकसित, समृद्ध, स्वस्थ और सामर्थ्य की दृष्टि से परिपूर्ण करते हुए विकास की इस अनन्य यात्रा पर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की इस रणभूमि में कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस खड़ी है, ना झाड़ू वाले खड़े हैं। झाड़ू वालों का तो कब का सफाया हो गया होता, चुनाव आया नहीं कि उनकी दुकान बंद हो गई। उनकी दुकान बंद कर उस पर ताला लगाने वालों में से एक का नाम अनुराग ठाकुर है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2019 के चुनावों में अमेठी से भाजपा के एक साधारण सी कार्यकर्ता ने हराया था। ये भाजपा का इतिहास है और कांग्रेस पार्टी का हश्र 2019 में हारे और अब तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए, अपना नेता नहीं चुन पाए। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।